चूतिया बनाया तुमको। जी क्या चाल है, वेलकम बैक टू माई चैनल डे इन दैट इज लाइफ। आज मैं जा रहा हूँ रामनगर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं पहली बार रामनगर में जंगल सफारी जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे शेर दिख जाए और भी बाकी सारे जंगली जानवर दिख जाए। बहुत एक्साइटेड हूँ, चलो मिलता हूँ सीधा आपसे वहीं पर। बाय। पहले कुछ खा लिया जाए। खैर खाने पीने के बाद हम पहुंचे सीधे रामनगर। वहां हम गए मौसी के घर क्योंकि वहां से और भी जने उठाने थे। गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले सिर्फ मैं आ रहा था, फिर आखिरी मोमेंट पे कटसी के तौर पे हमने इससे पूछ लिया है चलेगी या नहीं और ये चल दी। इज्जत बिल्कुल है नहीं। तो फिर वहां रुके, खाना पीना खाया, फ्रेशन अप हुए और फिर हुए तैयार। हाय मम्मी। ये लो हम तो तैयार थे। गर्मी बहुत है भाई साहब। बाकी हम जा रहे हैं जंगल सफारी। जीप जो है वो खड़ी है बाहर, उसके पास जा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन तो हो रहा है। शेर आ जाए मजा आ जाएगा, है ना? कैसे लोकल है यहाँ की, ये हमें बताएंगे यहाँ पे कहाँ पे शेर मिलते हैं। वेल दैट वाज क्वाइट हेल्पफुल। रात को पैदल चले जाओ, मिल जाएगा। उसको मौत कहते हैं जो रात में मिले। तो शेर तो मिल ही रहा है ना, ये शेर भी यहाँ टाइगर। रामनगर पहुंचने के बाद तो पता लगा भाई हमारी सफारी तो पीरू मदारा से शुरू होगी जो कि पीछे की साइड है। खैर सफारी में बैठ के सबसे बड़ा चैलेंज हमारा ये था कि भाई हमारी टोपी नहीं उड़नी चाहिए। तो भाई इस समय हम रुके हैं चेक पोस्ट पे, यहाँ पे होगी हमारी आईडी वगैरह चेक। मम्मी प्लीज दिमाग मत मारो आप ब्लॉग में। तो भाई इस भरी दोपहरिया में हम लोग पागलों की तरह शेर ढूंढ रहे थे। फिर पता लगा हम लोग अकेले नहीं है, उनमें से एक इन चूतियों को ऐसा लगा कि मैंने शेर देखा है। किसी ने बताया टाइगर का रंग पीला था और उसमें काली धारियां थी। बता रहा हूँ गाइस अभी टाइगर यहाँ से गया है और ये सारे के सारे गए हैं। रुक मैं बता रहा हूँ, अपने साथियों को लेके आ रहा है यहाँ पे, लग रहा है बूफे जैसे आएगा सारे के सारे तितर बितर हो जाएंगे। आपका क्या कहना है? देखो इनमें से आधों से ज्यादा थे तो तेज भागूंगा मैं। इन लोगों से तेज भागना है। कौन सा टाइगर से तेज कौन भागेगा? बंदर भी भाग गया, बंदरों की पड़ गई। शेर ढूंढ रहे हैं श्री, मैं बता रहा हूँ शेर बैठ गया गुफा में, बोल रहा है मेरा है कद्दू इतनी धूप में। मैं इसकी आँख तो मैं चूती है धूप में जला रहा है मैं। मैंने सुना था इस गाने से भूत आते थे। जंगली जानवर के तौर पे हमको मिला सिर्फ एक मोर जो कि यूपी के हर हाईवे पे मिलते हैं। खैर हमारी हालत देख के प्रोफेसर स्नेप ने अपना पेट्रोनस निकाला जो कि हमें बाद में दिखा सफेद नहीं था ये, क्योंकि धूप में काला हो गया था। खैर ये सब होने के बाद एक जिप्सी वाले ने बोला उसने उधर शेर देखा है, तो हम लोग उधर भागे। मुझे ऐसा लगता है ये शेर मेरे से डरता है। तो बहुत देर हो गई आ नहीं रहा, जैसे हम पहुंच रहे हैं वैसे ही गायब हो जा रहा है। और यहाँ पे ये सामने जो है ना ये इल्जाम लगा रहा है दूसरों पर कि तुम्हारी आवाज़ की वजह से वो भाग गया। अब भूत नहीं गया तू आवाज़ से भागने लग गया, तो तू शेर किस बात का? बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।
इफ आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में हेड अफेयर्स। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। फाइनली इन बारह सिंगों की भटनी शुरू हुई विच इज अ सिग्नल कि शेर आसपास है और वो ये रहा, ये शेर है भाई। मजाक से हट के दिखाता हूँ तुम्हें सब, ये देखो शेर दिख गया। गाइस सुबह से हो गई शाम लेकिन हमको शेर दिख गया, फाइनली दिख गया। बहुत देर बाद देखा, पूरा चेहरे पे सनबर्न हो गया है तगड़ा वाला। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा कोरा था? देखो सच बताऊं तो शेर देखने के बाद ये चिल्लर पार्टी देखने में कुछ ज्यादा मजा नहीं आ रहा था हमें। हालांकि मैंने डाल दिया ब्लॉग में, लेकिन मुझे मेरे कुछ दोस्त दिखे पता है। ये देखो मैं इनके नाम नहीं लूंगा, वो देख के खुद समझ जाएंगे मैं किनको बोल रहा हूँ। ये देखो इस पेड़ पे शेर ने अपने पंजे के निशान मार रखे हैं और यहाँ पे सुसु भी करी होगी अपनी टेरिटरी मार्क करने के लिए। अब ये मत बोलना इलाका सिर्फ कुत्तों का होता है। भाई मजा तो काफी आया वो करने में सफारी। जानवर देखा, शेर थोड़ा दूर से देखा लेकिन दिख गया काफी अच्छा देखा। जब वो खड़ा हुआ ना उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया लेकिन तब काफी प्यारा लग रहा था, आधा कीचड़ में सना हुआ था लेकिन वो मेरे बाल भी पूरे फूल से भर गए हैं। देखो कुछ आदमखोर उठ ले पिछड़े भी डाल रहे हैं। तो भाई पूरे दिन जल जलाकर शाम होकर लौट के बुद्धू घर को आए। बुद्धू घर वैसे रात को आए, पोस्ते पोस्ते रात हो गई। यहाँ से हम लोग गाइस अभी पहले मौसी के घर गए थे, थोड़ा सामान वामान उठाया, अब वहाँ से भी सामान उठा लिया है तो अब जा रहे हैं मुरादाबाद। चलो सीधा वहीं मिलता हूँ फिर, बाय बाय। तो भाई रात में तो मैं सो गया था, अभी सुबह हो गई है तो सुबह कर रहा हूँ ब्लॉग पूरा। बाकी ब्लॉग के लिए बस इतना ही, अगला ब्लॉग आएगा जल्दी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाय बाय।